अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मॉडल के हवाले से ये केस स्टडी अगेन लैटिन अमेरिका से है गोयटे माला रूरल गोयटेमाला में जस्ट लाइक पाकिस्तान बेसिक हेल्थ सर्विसेज की कमी है बल्कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहत है एक वो माउंटनस एरियाज हैं जैसे हमारे नॉर्थ में हैं सड़कों की कमी है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो शहरों में रहना प्रेफर करते हैं जैसे हमारे डॉक्टर्स करते हैं और इसके अलावा लोगों की ना तो परचेजिंग पावर है और ना ही अवेयरनेस है कि वो हेल्थ सर्विसेज अवेल करने के लिए कहीं और जाए ऐसी सिचुएशन में पैराला सलू सलूक के नाम से एक लोकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल की उसका सोशल मिशन जो है वो रूरल एरियाज़ में बेसिक हेल्थ सर्विसेज की ब्राह्मी है हेल्थ ऑफ़ कोर्स एक्सपेंसिव होती हैं ख़ास तौर जब डिस्टेंसेस और एक्सेस के इश्यूज़ हों तो इतने दूर दराज देहातों में क्लिनिक सेटअप करना जिसमें महंगा मेडिकल इक्विपमेंट हो एक डॉक्टर या पैरामेडिक को वहाँ पे अपॉइंट करना और उसको वहाँ रखना कि वो वहाँ रहे और सर्व करे और अगर डॉक्टर या पैरामेडिक वहाँ नहीं रहता तो उस क्लिनिक को कोस्टैब्लिश करने का मकसद ख़त्म हो जाता है इक्वमेंट ज़ाया होता है सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाती है ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस सोशल इंटरप्राइज के लिए अपनी सोशल सर्विस को जारी रखना जो है वो मुश्किल है डोनेशंस, ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सपोर्ट ये सफिशेंट नहीं है ऐसे में इस सोशल एंटरप्राइज ने अपनी एक सब्सिड्री एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस्टैब्लिश करने का सोचा पैरालसलू ने एक फार्मेसीज की विलेज फार्मेसीज की एक चेन स्टैब्लिश की देहातों में फार्मेसीज फार्मेसी की जाए इंटरेस्टिंगली जहाँ बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है क्लिनिक्स नहीं है कोई डॉक्टर दवाई लिख के देने वाला नहीं है वहां पे फार्मेसीज स्टैब्लिश करना काफी दूर का एक आइडिया लगता है लेकिन पैराला ने उसको ऑपरेट करके एक्चुअली एक बड़े कामयाब वेंचर के तौर पर उसको एक बिजनेस के तौर पर इस्टबलिश किया पैरालालू का जो विलेज फार्मेसीज़ का कारोबार है वो बिल्कुल उसकी सोशल सर्विस अगरचि दोनों का एरिया एक है हेल्थ लेकिन वो बिल्कुल कोई और कारोबार भी हो सकता था एनी वे इन दिस केस फार्मेसीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने बिल्कुल एक बिजनेस की तरह परसीव किया उसके लिए वो दवाइयाँ बल्क में मंगवाते थे वो जो जेनरिक मेडिसन है कम कीमत वाली अच्छी क्वालिटी की वो मंगवाते थे बजाय अपने हमसाए में यू से महंगे ब्रांड नेम्स एक्स इम्पोर्ट करने के और लोगों को एजुकेट करने पर कुछ वो कंपेन करते थे अपना उनका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ज़रिए से लोगों को एजुकेट करते थे कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं वो महंगे हैं सेम सॉल्ट सेम कंपोजिशन अगर किसी छोटी कंपनी से छोटी जगह से हम खरीदते हैं और आप वो दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसका वही और उतना ही फ़ायदा होगा तो वाई डोंट यू बाय दिस लेस एक्सपेंसिव लेस कॉस्टली मेडिसन कम अज़ कम आप दवा तो ले सकते हैं बजाय इसके इंतज़ार के, के, के बहुत सारे पैसे आपके पास हों तो फिर आप वो महंगी दवाई ख़रीदें जो कि कभी नहीं होते पैसे और वो दवाई आप कभी ख़रीद नहीं पाते पैराल सलू ने अपने बाकायदा वेयर हाउसेस कायम किए उसके घोटेमाला सिटी जो हेड क्वार्टर था उनका वहाँ पर उनके वेयर हाउसेस में दवाइयाँ आती बल्क में फिर उनकी पैकेजिंग की जाती मुख्तलफ एरियाज़ के लिए उन्होंने बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम बनाया जिन जगहों पे वो खुद दवाइयाँ डिलेवर कर सकते थे उसका इंतज़ाम किया बा जगहों के लिए कमर्शल ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उसको इस्तेमाल किया और दवाइयाँ जो हैं वो विलेज फार्मेसिस में पहुँचाईं उन्होंने बाकायदा इन्वेंट्रीज मेंटेन की जैसे किसी भी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में होगा बाकायदा प्रॉफिट लॉस हर चीज का एक एक दवाई का हिसाब जो है वो होता है जैसे कोई आप अपनी जतीी फार्मेसी रन कर रहे हो नतीजा पैरालसलूकी फार्मेसीज जो हैं विलेज फार्मेसीज उनका प्रॉफिट जो है उसका मार्जिन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो देहात जहाँ हेल्थ सर्विसेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे फार्मेसीज 20 टू 25 परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रही हैं लो कॉस्ट मेडिसिन फ्राहम करके और वो जो प्रॉफिट है उसका एक बड़ा शेयर पैरालोसलू जो है वो अपने हेल्थ क्लिनिक्स और वो जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं जिसमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट क्लिनिक को इस्टेब्लिश करना कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो फ्राहम करना जैसे वैक्सीन हैं और इस तरह की मदर एंड चाइल्ड केयर इस किस्म की सर्विसेज की फ्राह के लिए वो रेवेन्यूज़ अब पैरालसलू जो है वो इस्तेमाल कर रहा है बिज़नेस पॉमेसीज एज अ बिज़नेस इस्तेमाल करते हुए सोशल सर्विस या सोशल मिशन यानी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो क्लिनिक्स हैं नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चलाना ये डिमॉन्सट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मॉडल की कैसे फॉर्मेसी ने ऑर्गेनाइजेशन पैराल सलूक के सोशल मिशन को सपोर्ट किया अब ये मॉडल जो है वो सिर्फ कोयटेमाला में इस्तेमाल नहीं हो रहा और रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज़ में इस मॉडल को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके रिटर्नस जो हैं वो अमेजिंग हैं प्रॉफिट मार्जन्स जो हैं वो बेहतरीन हैं क्योंकि जब वो प्रॉफिट क्लिनिक्स पर खर्च होता है या पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ पर खर्च होता है तो वो दवाई एडवाइस करते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं और मरीज़ जो है चूँकि उसको फ्री एडवाइस मिल जाती है तो वो दवाई ख़रीदने में फिर उतना रिल्कटेंट नहीं होता वो निकाल लेता है गुंजाइश और वो फार्मेसीज़ का कारोबार जो है वो भी चलता रहता है थैंक यू